मैंने बाल खोल लिए हैं, ध्यान से देखना है। नेचुरल कर्ल्स 2 घंटे में भी चाहिए तो आप वो भी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानना चाहते थे कि मैंने मुस्कान के जो कर्ल्स किए थे वो कैसे किए थे, वो भी विदाउट एनी हीट या कोई भी मशीन यूज करे बिना मैंने उसके जो कर्ल्स किए थे वो कर्ल्स का मैं आपको ट्यूटोरियल्स बताऊंगी। आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक दुपट्टा जो कि पतला होना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं, और 2 रबर बैंड और 1 कोम। बस ये सब इजिली घर पे अवेलेबल है तो आप आराम से ये कर सकते हैं। दीदी मैं ये पकड़ लूं? तो पहले आप शुरू स्टार्ट करेंगे बाल कोम करने से। हमेशा अपने बाल को ना प्रॉपरली कोम करना, उसमें कोई भी नॉट्स नहीं रहने चाहिए। ओके अच्छे से बाल को, मुस्कान के बाल काफी सिल्की है वैसे मैं बता दूं। आपको कोम करने के बाद ना 2 पार्टीशन बनाने, मिडिल पार्टीशन, ठीक है, पूरा आगे से लेके पीछे तक। तेरे नाम एग्जैक्टली तेरे नाम। फिर आपको क्या करना है, ये दुपट्टे को 2 हाफ्स में करना है और उसको आपको ऐसे सर पे रख देना है आगे की तरफ ऐसे, ठीक है, जैसे हम कोई बैंड बांधते हैं दुपट्टे वाला या स्कार्फ वाला, तो वैसे आपको रखना है। और फिर एक रबर लेके ना आप इसको एक साइड को रबर से बांध दीजिए ताकि दोनों बाल मिक्स ना हो, दोनों साइड के बाल मिक्स ना हो। एग्जैक्टली, हल्का सा, ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको इसको हल्का सा रोल करना है और फिर यहां से एक बाल की लट लेके आप इसको ऐसे पीछे घुमाएंगे और इसको ना रोल करते करते आप ऐसे नीचे लेके आएंगे। थोड़ा इतना भी टाइट मत करना कि आपका सर दुखे, उसको हल्का सा लूज रखना, लेकिन इतना भी लूज मत रखना कि वो एकदम ही लूज रह जाए। फिर आप इसको दूसरा लेना, फिर आप वापस से उसको ऐसी ही तरह से पीछे डालना, थोड़ी थोड़ी लटे लेके, थोड़ी थोड़ी, ध्यान से देखना ये। और जरूरी नहीं है कि आप पूरा उसको एंड तक करो, जैसे आपने ये आधा कर लिया है तो आप आधा ऐसे रख के उसको यहाँ पे छोड़ दो, 1 सेकेंड उसको यहाँ पे छोड़ दो। फिर आप जब ये दूसरी लट लोगे ना, फिर आप इसको वापस से ऐसे पूरा रोल करके, जैसे ये रोल किया है, इसको रोल करके फिर ये जो नीचे आधे बाल बचे उसमें मर्ज करके फिर इसको थोड़ा रोल करो, फिर थोड़े बाल नीचे रहने दो, फिर और लेके यहां से बाल। इससे पता क्या होता है, अगर आप जितना यहाँ से ऊपर से लेंगे ना बाल तो वो उतना ऊपर से कर्ल्स होगा, लेकिन अगर आपको नीचे से चाहिए आप थोड़ा नीचे से भी लेके कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे सारे बालों के साथ, रोल 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 काफी सारा, जितना आपको जैसे जिस हिसाब से आपको कर्ल चाहिए आप उस हिसाब से रोल कर लेना, रिंगा रिंगा रोजेस के लिए ना, गोल गोल गोल। फिर आपको ये जो भी बाल बचे हुए हैं ना नीचे, इनको भी अच्छे से ऐसे दुपट्टे के साथ ही नीचे रोल कर देना है। ओके ये आपको पूरा एंड तक रोल करके, फिर आप ये दुपट्टे के साथ ही ऐसे थोड़ा सा हल्का सा रोल करके, जैसे ये देखो ये बाल मुड़ रहे, आपको ये पीछे लेना है, इसको ऐसे घुमा देना है। मेरा बन बन गया, क्यूट सा बन, साइड बन, मैं क्यूट लग पा रही हूँ? तू क्यूट है बेबी, लेकिन मुझे लगना है, होना नहीं है, लगना है होना नहीं है। तुझे लगने की जरूरत क्या है जब तू ऑलरेडी है? इसको आप एक रबर से, एक्चुअली ना इतना रबर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, एक रबर भी आपने लगा दी वो हो जाएगा सेट। तो अब वही चीज जो मैंने पहले उस साइड पे की थी वही चीज मैं ये साइड पे करूंगी। तो फाइनली ये साइड का भी ऑलमोस्ट होने आया है, ये लास्ट स्ट्रैंड है जो बचा है, इसको भी मैं अच्छे से रोल कर देती हूँ। रोल करके तू घुमड़ा बना दे एक आदमी। सिर्फ बालों को रोल नहीं करना है, लास्ट में ये बाल को एंड तक रोल करने के बाद थोड़ा सा इसको भी रोल फिर करना, वो अपने आप ही ट्विस्ट हो जाएगा। हाँ वो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, पर क्या होता है कि एक वो जो बाल थोड़े जो लूज रह जाते हैं ना तो वो भी टाइट हो जाते हैं, तो कर्ल्स अच्छे से होते हैं। अभी सोते हैं,
फिर ऊपर सुबह देखेंगे कैसा लगा। ओके तो गाइस ये अब हो गया ना, हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पूरी रात मैंने बाल को ऐसे ही रखे थे और सिमरन के थोड़ा पैर में लग गए, लेकिन वो आ रही है तो मैं आपको खोल के बताती हूँ उसके रिजल्ट्स। रबर बैंड एकदम आराम से खोलना है, आराम से खोलो। फाइनली मैंने बाल खोल लिए हैं, आपको कर्ल्स दिख ही रहे होंगे। ये कम से कम 6 से 8 घंटे रहेंगे, कुछ स्प्रे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यारे लग रहे। और एक स्पेशल बात मैं बताती हूँ आपको, सिमरन ने मुझे बताया था जैसे हमने इसको पूरी रात रखा और सुबह हमें कर्ल्स मिला, लेकिन अगर आपको यही कर्ल्स नेचुरल कर्ल्स 2 घंटे में भी चाहिए तो आप वो भी हो जाएगा। उसके लिए खाली एक छोटा सा स्टेप आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको जब ये करने से पहले आपको बाल थोड़े से गीले करने पड़ेंगे और फिर ये सेम प्रोसीजर करना होगा, तो 2 घंटे में भी आपके ऐसे कर्ल्स हो जाएंगे। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और वो लाल बटन क्या होता है सब्सक्राइब, वो जरूर करना। और अगर आपको कोई भी और टिप्स चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगी। थैंक यू, लव यू।